بسم الله الرحمن الرحيم कितनी देर में कितनी देर में मजलिस साढ़े ग्यारह बजे आप मतलब सवा ग्यारह बजे में बात सवा ग्यारह बजे कोई हर पंद्रह मिनट الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کبھی کسی نیکی کے کام کو حقیر سمجھ کر کے مت چھوڑو لا تحقرن من المعروف شیئا معروف کے معنی نیکی لا تحقرن من المعروف شیئا کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا کون سا عمل پسند آ جائے اور آپ کی مغفرت ہو جائے بڑے بڑے عمل کوئی ضروری نہیں ہے پسند کی بات ہے رب کریم کو کوئی عمل اگر پسند آ گیا بندے کا چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تحقرن من المعروف شيئا کبھی کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی عمل اللہ کو پسند ہے یہ بھی نیکی ہے یہ بھی سمجھے اللہ کو پسند ہے ہم اس کو کبھی نیکی تصور ہی نہیں کرتے حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا آپ منہ چڑھا کر کے اگر ملیں گے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ان کا کیا کھایا ہے کہ جو عرض ہم یہ جو ہے منہ چڑھا کر کے بات کر رہے ہیں نہیں ہنسمکھ چہرے کے ساتھ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنسنے والا کسی کو نہیں دیکھا لیکن ہم جس طرح ہنستے ہیں ہم تو جانوروں کی طرح ہنستے ہیں ہا 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 کر کے رسول جی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی طرح نہیں ہنستے تھے اس طرح نہیں ہنستے حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکراہٹ کی شکل میں ہو
हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट, ये है कि तू अपने भाई से खंदा पेशानी से मिले। तुम खंदा पेशानी से मिलोगे, तुम्हारे भाई का दिल खुश होगा। दिल बदस्ता आवर के हज अकबरस, किसी के दिल को खुश करने के लिए कोई काम करना सबसे बड़ी नेकी। तो हदीस में फरमाया गया कि इसको भी हकीर मत समझो कि मैं खंदा पेशानी से मिलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। नहीं, ये भी नेकी है। मोहतरम बुज़ुर्ग, आजकल कुछ लोगों के जहनों में ये तसव्वुर बैठना शुरू हो गया है और ये ख़याल अर समझे बैठना शुरू हो गया है कि बुज़ुर्ग तो वो कहलाएगा जो कभी हंसे नहीं। हंसने वाला बुज़ुर्ग कैसे हो सकता है? ये कुछ लोगों की ज़हनियत बनती जा रही है कि बुज़ुर्ग तो वो कहलाएगा और वली तो वो कहलाएगा जो कभी या समझे किसी के सामने हंसे नहीं। या अगर किसी का खुसूसन तसव्वुफ के सिलसिले में तो लोगों का ये समझे ख़याल है कि जो सूफ़ी होगा, जो बुज़ुर्ग होगा, जो नेक होगा, वो कभी समझे जो है हंस के बात नहीं। दुनिया वाले जो हैं वो आपस में हंस के बात करते हैं, यह ख़याल गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हंसने वाला कोई नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सहाबा के साथ और हज़रत सहाबिया के साथ हंसी की बातें करते थे, दिल लगी की बातें करते थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी का उसवा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और सहाबियात के साथ दिल लगी की बातें करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है शमाइल तिर्मिज़ी में, तिर्मिज़ी के आखिर में शमाइल लगी हुई है, शमाइल तिर्मिज़ी में रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आप हमारे साथ हंसी मज़ाक और तफरी की बातें करते हैं, आपका तो हर कौल, हदीस है, आपका तो हर फ़ैल हदीस है, आपकी तो हर चीज़ हदीस है। गोया हज़रत अबू हुरैरा ये कहना चाहते थे कि आपको हमारे साथ हंसी और मज़ाक और दिल लगी की बातें नहीं करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट करके जवाब दिया, मा अकूलु इल्ला हक्कन, इस ज़बान से जो बात निकलती है हमेशा हक निकलती है। मैं अगर किसी के साथ दिल लगी की बातें करता हूँ, मैं अगर किसी के साथ हंसी की बातें करता हूँ, तो उस हंसी की बातों में भी हक्कानियत होती है। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात इस ज़बान से नहीं निकलती। माकूल इल्ला हक्कन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम ख़ास हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला, 10 साल नबी पाक सल्लम की खिदमत का शर्फ़ हासिल हो, किसी को एक दिन खिदमत का शर्फ़ हासिल हो जावे तो वो अपनी खिदमत पर नाज़ा होता है। हज़रत अनस को 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, हज़रत अनस फरमाते, क़ुरबान जाऊँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर, इस 10 साल के अरसे में कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम पर नहीं टोका। जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था और मैंने कर लिया, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया।
और एक काम बतलाते थे हज़रत अनस फरमाते नबी पाक सल्लम मुझे एक काम बतलाते थे, सुपुर्द करते थे। मैं छोटा था, गली में जाकर बच्चों से खेलना शुरू कर देता था। नबी पाक सल्लम आते, कान पकड़ते और मरोड़ते और ये कहते कि तुम्हें एक काम बतलाया था। हज़रत अनस फरमाते हैं हाँ अल्लाह के रसूल, जा रहा हूँ। और कभी डांटना डपटना ये नबी पाक सल्लम की शान नहीं। नबी पाक सल्लम कभी कभी हज़रत अनस को आवाज़ देते, या ज़ल उदुनैन, ओ दो कान वाले इधर आ। हर एक के दो कान हैं, लेकिन हज़रत अनस से पूछिए कि जब नबी पाक सल्लम जब ख़िताब फरमाते या ज़ल उदुनैन, ओ दो कान वाले, अब ये दिल लगी की बात है, हंसी की बात है और हक़ है, वाक़े के मुताबिक है, हर एक के दो कान हैं। तो नबी पाक सल्लम दिल लगी की बात है, या ज़ल उदुनैन। एक बुढ़िया नबी पाक सल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए जन्नत की दुआ फरमा। नबी पाक ने फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जानेगी। नबी पाक ने फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जानेगी। और नमाज का वक्त हो गया था तो नबी पाक सल्लम नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए। अब वो बुढ़िया हज़रत आयशा के हुजरे में रो रही है, धो रही है, आसमान सर पे उठा लिया, हाय नबी पाक सल्लम ने मुझे फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाए। थोड़ी देर के बाद नबी पाक सल्लम जब नमाज पढ़ा करके वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपने क्या कह दिया इस बुढ़िया से, इसने तो अर समझे जो हैं रोना धोना शुरू कर दिया। नबी पाक ने फरमा मैंने कौन सी गलत बात कही। उस बुढ़िया से फरमाया क्या तुम सूरह वाकया नहीं पढ़ती हो। कहने लगी अल्लाह के रसूल पढ़ती हूँ, तो क्या सूरह वाकया में ये आयत करीमा नहीं है, इन्ना अनशाना हुन्न इंशान फजालना हुन्न अबकारा। कहने लगे हाँ ये अल्लाह के रसूल। तो नबी पाक ने फरमाया मेरे कहने का मकसद ये था कि बुढ़िया बुढ़िया होने की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी, बुढ़िया को जवान बना दिया जाएगा और वो जवान बन कर के जाएगी। खुश हो गई यार, अब ये दिल लगी की बातें हैं, अब ये दिल लगी की बातें हैं। और समझे नबी पाक सल्लम इस तरह दिल लगी की बातें फरमाया। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, मदीने के बाशिंदे नहीं थे, मदीने से बाहर किसी गांव के देहात के किसी बस्ती के रहने वाले थे। सफ़र करके ऊँटनी पर सफ़र करके आए थे नबी पाक सल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए। कुछ दिन आपकी सोहबत में रहे, सवारी बीमार हो गई और वो ऊँट अब सफ़र के काबिल नहीं रहा। नबी पाक सल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी का जो जानवर था वो थक गया है, अब वो सफ़र के काबिल नहीं रहा है, मुझे अपने वतन जाना है। बैतुल माल में अगर कोई अरसम जानवर हो सवारी के काबिल, कोई ऊँट हो ऊँटनी हो सवारी के काबिल, तो मुझे मरहमत फरमा दें ताकि मैं घर जा सकूं। नबी पाक फरमाया हम तुमको ऊँटनी का बच्चा देंगे। नबी पाक ने फरमाया हम तुमको ऊँटनी का बच्चा देंगे। वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर के क्या करूँगा, ऊँटनी का बच्चा जो है वो तो सवारी के काबिल नहीं होता है, उस पर तो सवार नहीं हो सकते, बड़ा ऊँट है तो वो सवारी के काबिल होता है। नबी पाक सल्लम ने फरमाया तुम मेरी बात नहीं समझे, हम ऊँटनी का बच्चा देंगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा दूंगा, बड़ा ऊँट दूंगा जिस पर सवारी की जाती है, लेकिन बोलो बड़ा ऊँट जो होता है वो हथनी का बच्चा होता है ऊँटनी का बच्चा होता है, हथनी का बच्चा तो नहीं होता है, घोड़ी का बच्चा तो नहीं होता है,
गधी का बच्चा तो नहीं होता है। हाँ, अब ये क्या खिलाफ़ वाक़या बात है, माकूल इल्ला हक़्क़न, इस ज़बान से जो बात निकलती है हमेशा हक़। खुश हो गए रसूल। इस तरह नबी या पाक सल्लम कभी कभी सहाबा सहाबियात के साथ, शमाइले तिरमिज़ी में एक और वाक़िया भी लिखा है नबी या पाक सल्लम की दिल लगी के मुताबिक, एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत ज़ाहिर, मदीने के बाशिंदे नहीं थे, देहात के रहने वाले थे, किसी कबीले के रहने वाले थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, किसान आदमी थे। जुमे के दिन हफ्ते में एक मर्तबा नबी पाक सल्लम की खिदमत में हाज़िर होते थे, जुमे के दिन आप सल्लम के पास आते थे। और चूंकि वो खेती बाड़ी करने वाले थे, किसान थे, तो जब भी नबी पाक सल्लम की खिदमत में आते तो अपने खेत की जो चीज़ें हैं उसमें से कुछ हदीये के तौर पर लेकर के आते। खेत में सब्ज़ियाँ पैदा होती हैं तो वो जो सब्ज़ियाँ हैं खेत की, वो सब्ज़ियाँ लेकर के आते, कुछ नबी पाक सल्लम को हदीये में पेश करते, कुछ बाज़ार में जा कर के बेच देते और पैसे अर समझे जो है। नबी पाक सल्लम इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। एक मरतबा नबी पाक सल्लम ने दिल लगी के तौर पर फरमाया कि ज़ाहिर हमारा खेत है और हम, नबी पाक सल्लम ने अपनी तरफ इशारा किया कि हम ज़ाहिर की सीटी हैं। ये जुमला नबी पाक ने फरमाया। देहात के लोग सीटी में आते हैं, शहर में आते हैं, शहर में जो उनकी ज़रूरियात हैं। अब देहात में उस ज़माने में, आज तो जो है और समझे देहातों में भी हर चीज़ मिलती है, लेकिन उस ज़माने में देहातों में नमक है, मिर्च है और समझे मसाले हैं, ये चीज़ें देहातों में नहीं मिलती। लोग सिटी में आते, शहर में आते और शहर से ले जाते। नबी पाक सल्लम जुमा का दिन आने से पहले नमक है, मिर्च है, मसाले हैं, ख़रीद करके अपने घर में रखते। नबी पाक सल्लम आ रसम जी, देहात के लोग जो शहर से आम मतन ले जाया करते हैं वो चीज़ें ख़रीद करके नबी पाक सल्लम अपने घर में रखते। हज़रत ज़ाहिर जब आते और सब्ज़ियाँ और तरकारियाँ पेश करते तो नबी पाक सल्लम वो मसाले वग़ैरह जो हैं वो पेश करते हैं। और उस पर नबी पाक सल्लम फरमाते हैं कि ज़ाहिर हमारा खेत है, यानी खेत की जितनी ज़रूरियात हैं हमारी, सब्ज़ियाँ तरकारियाँ, वो ज़ाहिर पूरा करता है और हम ज़ाहिर की सीटी हैं। हज़रत ज़ाहिर को सीटी से जिन चीज़ों को ले जाना पड़ता है हम उनको मुहैया करते हैं। मोहतरम बुज़ुर्ग, यहाँ उलमा भी हैं, आप भी माशाअल्लाह समझदार हैं। एक सुन्नत है जिसको हमने आधा याद कर रखा है। क्या सुन्नत है? हदिया कबूल करना सुन्नत है। हमारे जहनों में है कि हदिया कबूल करना सुन्नत, यकीनन सुन्नत है, लेकिन ये आधी सुन्नत है। नबी पाक सल्लम हदिया कबूल करते थे हजरत ज़ाहिर का और हदिये के बदले में हदिया देते थे, हदिये के बदले में हदिया देते थे। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी आए, देहात के रहने वाले गाँवी आराबी, देहात के रहने वाले एक सहाबी आए और एक जवान ऊँट नबी पाक सल्लम को हदीये में पेश किया। नबी पाक सल्लम ने एक ऊँट के बदले में 6 ऊँट उनको हदीये में दिए, फिर भी उनका मुँह सीधा नहीं हुआ। पता नहीं कितना चाहते थे। तिरमिज़ी के बिल्कुल ख़त्म पर अरसम ये जो है अव्वाबुल मनाकिब में ये हदीस है, नबी पाक सल्लम ने नाराज़ होकर के फरमाया, अब तो मैंने ये अहद कर लिया है
چند قبیلوں کے نام گنائے، فلاں 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 قبیلے کا ہدیہ قبول کروں گا، ہر ایک کا ہدیہ قبول نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھے اونٹ پیش کیا، میں نے ایک اونٹ کے بدلے میں 6 ارسم یہ جو ہے اونٹ پیش کیے، پھر بھی 8 ارسم یہ جو ہے وہ راضی. ایک صحابی ہیں اور ایک صحابیہ ہیں، حضرت ربیع بنت معوذ ابن عفرا صحابی ہیں. کھیتوں میں اب جب گرمی چل رہی ہے تو ککڑی شاید بازار میں آج کل مل رہی ہو، ککڑی پتلی سی ککڑی ہوتی ہے، اور سمجھے جو ہے لمبی ہوتی ہے، اور سمجھے ککڑی کہتے ہیں اس کو، آپ کی بھاشا میں پتہ نہیں کیا کہتے، ککڑی ہی بولتے ہیں. اور سمجھے تو تازہ کھجوریں اور ککڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں. کھجور گرم ہوتی ہے اور ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملا کر کے کھاتے ہیں تاکہ کھجور کی گرمی کو ککڑی مارے اور ککڑی کی برودت کو اور ٹھنڈ کو کھجور اور سمجھے مارے. گرم اور ٹھنڈا دونوں ملا کر کے کھائیں گے تو غذا معتدل ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے تازہ کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر کے کھانے کو. چنانچہ ان صحابی کے کھیت میں ککڑی تھی، تازہ کھجوریں بھی تھی، وہ پیش کی اور بچی تھی یار سمجھے ان کی، چھوٹی بچی یار سمجھے، ایک طباق میں بھر دی سب اور یہ کہا جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کر دیا. وہ لے کر کے گئی بچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے زیور آئے ہوئے تھے سونے چاندی کے، اور سمجھے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ککڑی اور کھجوریں لے لی اور طباق کو زیوروں سے بھر دیا اور یہ کہا لے جاؤ. کون ہدیہ نہ پیش کرے ہاں؟ تو بولو اور سمجھے جو ہیں ہم ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیتے ہیں؟ ہم نے آدھی سنت یاد کر رکھی. ہدیہ قبول کرنا سنت، یقیناً سنت ہے ہدیہ قبول کرنا، لیکن آگے دوسرا پہلو بھی ہے، سکے کے دو پہلو بھی ہے. ہم نے بس ایک پہلو اور سمجھے جو ہے ذہن میں رکھا ہے، ہدیہ قبول کرنا سنت نہیں، یہ آدھی سنت. پوری سنت یہ ہے کہ ہدیہ تحادو، حدیث پاک میں آتا ہے تحاب، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیے کے بدلے میں ہدیہ، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. یا رسول اللہ تو محترم بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیا. حضرت ظاہر ذرا بدشکل صحابی تھے، شکل و صورت اچھی نہیں، بدشکل صحابی تھے. کچھ ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے اور باقی بازار میں جا کر کے بیچ دیتے، پیسے حاصل ہو جائیں. ایک مرتبہ حضرت ظاہر بازار میں کھڑے اپنے کھیت کی چیزیں بیچ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے ہوئے پیچھے، حضرت ظاہر کی پیٹھ کے پیچھے آہستہ آہستہ گئے اور جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت ظاہر کی اور سمجھے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے. ایسا مذاق ہم بھی کرتے ہیں، ایسا مذاق ہم بھی کرتے ہیں. ہمارا نبی جو ہے کیا شان اس نبی کی، لیکن حضرت ظاہر کے ساتھ دل لگی. گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے اور حضرت ظاہر کی آنکھوں پر آرو سمجھے جائے. یہ مذاق ہے، کتنی دیر کا مذاق ہے؟ تھوڑی دیر کا مذاق ہے، جتنی دیر میں وہ پہچان نہ لے. ہاں جب پہچان لے تو پھر کھیل ختم. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تو حضرت ظاہر کہنے لگے کون ہے مجھے چھوڑ، اور سمجھے جو ہے کون ہے مجھے
वो जो उन्होंने हजरत ज़ाहिर ने अपने जिस्म को हरकत दी तो गोशे चश्म से पीछे उन्होंने देख लिया कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो बजाय छोड़ाने के अपना सीना जो है हजरत ज़ाहिर ने नबी पाक सल्लम के अरब समझे जो है अपना सीना नहीं बल्कि अपनी पीठ हजरत ज़ाहिर ने नबी पाक सल्लम के सीने से लगाए। नबी पाक सल्लम समझ गए कि मुझे पहचान गए तो आपने हाथ छोड़ दिया। ये थोड़ी देर का अरसम दी फिर दूसरा मजाक शुरू हुआ। नबी पाक सल्लम ने इरशाद फरमाया मैं यश्तरी हादल गुलाम, कौन इस गुलाम को ख़रीदता है? हजरत ज़ाहिर गुलाम नहीं है, हुर्रुल असल हैं, पैदाइशी आज़ाद हैं, लेकिन ये एक मजाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई बाजार में भरी मार्केट में मैं यश्तरी हादल गुलाम, मेरे इस गुलाम को कौन ख़रीदता है? जब ये बात इरशाद फरमाई हजरत नबी पाक सल्लम ने तो हजरत ज़ाहिर बदशकल थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं खोटा सिक्का, मुझे कौन खरीदेगा? नबी पाक सल्लम ने फरमाया अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है, चाहे तुम बदशकल हो लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मकाम। तो मोहतरम बुज़ुर्गों मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुछ लोगों का ये तसव्वुर है कि हंसना और हंसमुख चेहरे के साथ मिलना ये बुज़ुर्गियत की के ख़िलाफ़ है। बुज़ुर्गों के सरदार, हम सब के सरदार हमारे नबी हमारे आका, उनका आरा समझे जो है रवैया। अब आप एक सवाल नहीं पैदा होता, मैं आपके जहन में एक सवाल पैदा करता हूँ, नबी पाक सल्लम क्यों सहाबा और सहाबियात के साथ दिल लगी की बातें करते थे? एक सवाल क्यों करते थे? जवाब, इसलिए करते थे ताकि सहाबा नबी पाक सल्लम से इस्तिफादा कर सकें। सहाबा पर नबी पाक सल्लम का इतना रौब था कि कोई बात नबी पाक सल्लम से नहीं पूछते। जब नबी पाक सल्लम मजलिस में आते तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर अपनी निगाह उठाते, नबी पाक सल्लम की नज़र से नज़र मिलाते, नबी पाक सल्लम अबू बकर उमर को देख कर के मुस्कुराते, अबू बकर उमर नबी पाक सल्लम को देख कर के मुस्कुराते, बाकी सहाबा की हिम्मत नहीं कि नज़र से नज़र मिलाए। इसलिए नबी पाक सल्लम अपने को घिराते थे, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, अरे समझे जो है आप अपने को, अरे समझे जो है कि मैं तुम्हारी तरह आम इंसानों की तरह हूँ, अरे समझे जो है पूछो दीन की बातें मुझसे। नबी पाक सल्लम की मजलिस होती थी लेकिन खामोश मजलिस होती थी। नबी पाक सल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा आपके इर्द गिर्द अरा समझे जो हैं तशरीफ़ फरमा होते, खामोश मजलिस। अहले मजलिस में से कोई सवाल करता तो नबी पाक सल्लम उनके सवाल का जवाब देते फिर खामोश, फिर कोई सवाल करता जवाब देते फिर खामोश। इस तरह नबी पाक सल्लम की मजलिस होती। तो मोहतरम बुज़ुर्गों मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हदीस पाक में फरमाया गया कि अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ मिलना, हसमुख चेहरे के साथ मिलना ये भी नेकी है। और हदीस में फरमाया गया ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैयन, कभी किसी नेकी के काम को हकीर मत समझो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी सफ़र कर रहे थे,
रास्ते में एक कांटेदार टहनी नीचे आ गई थी, रास्ते में दोनों तरफ झाड़ कांटेदार दरख्त होते हैं, तो एक दरख्त की टहनी नीचे आ गई थी। जब वो गुज़रे तो वो टहनी उनको सर से लगी। उन सहाबी ने सोचा कि ये टहनी हर एक को तकलीफ़ पहुंचाती होगी, जो भी यहाँ से गुज़रता होगा उसको ये टहनी तकलीफ़ पहुंचाती होगी। उन्होंने कहीं से लकड़ी काटने का कोई आला, कुल्हाड़ी वगैरह जो हमारे यहाँ होता है, हासिल किया और उस टहनी को काट दिया। तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ने उनका शुक्रिया अदा किया। ये जुमले हदीस में हैं कि अल्लाह ने उनका शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के शुक्रिया अदा करने का क्या मतलब? अल्लाह के शुक्रिया अदा करने का मतलब ये है, गौर से सुने, अल्लाह के शुक्रिया अदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह को ये अमल पसंद आया। ये शुक्रिया अदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह को और समझिए अमल पसंद आया। और ये इतनी सी बात पर अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। ऐसा होता है, हम रास्ते से गुज़रते हैं, केले का छिलका पड़ा हुआ होता है, पत्थर पड़ा हुआ होता है, बलेट पड़ी हुई होती, शीशा पड़ा हुआ होता, कोई और समझे तकलीफ दे चीज़ पड़ी हुई होती है, उस वक्त दिल में ख़याल आता है इसको हटा दें। लेकिन हमारा दुश्मन शैतान दिल में वसवसा डालता है कि केले का छिलका अगर तू रास्ते से हटा देगा तो क्या मग़फ़िरत हो जाएगी थी? क्या इतने से वह मग़फ़िरत हो जाएगी? पत्थर को अगर रास्ते से हटा देगा तो क्या तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी? ऐसे मौके पर नफ्स व शैतान से मुकाबला करें और ये कहें नफ्स व शैतान से कि मग़फ़िरत हो ना हो, हमारे नबी की ये तालीम है, इमातुल अज़ानी तरीक़, रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ को हटाना, ये हमारे नबी की तालीम। उन सहाबी ने जो है कांटेदार टहनी को अर्थ में काट दिया, अल्लाह को अमल पसंद आए, अल्लाह ने मग़फ़िरत। हज़रत इमाम अबू दाऊद दौरे में जिनकी किताब अबू दाऊद पढ़ाई जाती है, असर के बाद तफरी कर रहे थे दरिया के किनारे, दरिया के अंदर पानी का जहाज़ था जो मुसाफिरों से भरा हुआ था। उस ज़माने में जब पानी के जहाज़ से रसम, अभी हमारे माजी करीब तक अभी आ रसम जी जो है पानी के जहाज़ चलते थे, तो हज़रत इमाम अबू दाऊद दरिया के किनारे तफरी कर रहे थे, टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे कि वो जो पानी का जहाज़ था और उसमें जो मुसाफिर सवार थे उनमें से किसी मुसाफिर को छींक आई, उसने छींक पर अल्लाह की तहमीद की और अल्लाह की हमद की और अल्हम्दुलिल्लाह कहा और इतने ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि इमाम अबू दाऊद के कानों तक उस तहमीद की आवाज़ पहुंची। इमाम अबू दाऊद जहरीयुस्सौत नहीं थे, बाज़ लोग ऐसे जहरीयुस्सौत होते हैं कि लाउड स्पीकर भी जख मारता है उनके सामने, तो वो साहब जो साहब जिन्होंने आ रसम जी छींक ली थी वो जहरीयुस्सौत थे, इमाम अबू दाऊद जहरीयुस्सौत नहीं थे, ऊंची आवाज़ नहीं थी। करीब में कश्ती खड़ी थी, उस कश्ती वाले से बात की कि ये सामने जहाज़ जो होता है बिल्कुल किनारे तक नहीं आ सकता, किनारे पर पानी कम होता है, इसलिए जहाँ पानी ज़्यादा होता है किनारे से ज़रा अंदर जहाज़ जो है वहाँ खड़ा रहता है और कश्ती जो है बिल्कुल किनारे तक आ जाती है, कश्तियाँ छोटी। तो एक कश्ती वाले से बात की कि सामने जो जहाज़ खड़ा है बस वहाँ तक जाना है और फिर आना है और 2 दिरहम दूंगा किराया। तो बेचारा बैठा बैठा वैसे ही मक्खियाँ मार रहा होगा,
कोई सवारी नहीं मिल रही होगी, तो उसने कहा 5 मिनट का काम है, वहाँ सामने तक जाना है और आना है, और 2 दिरहम मिल रहे हैं और समझिए जो है तो क्या खोटे हैं। उसने कहा हाँ आ जाओ बैठ जाओ। इमाम अबू दाऊद बैठ गए, जहाज़ जहाँ खड़ा था वहाँ तक गए, सीढ़ियों पर चढ़े, जहाज़ की सीढ़ियों पर चढ़े और चढ़ कर के ज़ोर से कहा या रहमकल्ला, छींक का जवाब देना सुन्नत है। अगर किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हदीस में तालीम है कि तुम उसके जवाब में या रहमकल्ला कहो। चुनाचे जवाब दिया और उतर करके वापस कश्ती में आ करके बैठ गए। किनारे की तरफ आ रहे थे, गैब से आवाज़ आई, नज़र नहीं आ रहा था कोई, गैब से आवाज़ आई, ऐ अबू दाऊद आज तूने 2 दिरहम में जन्नत खरीद ली। उसकी शान निराली, कब अर समझे कौन सा अमल उसको पसंद आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हदीस पाक में फरमाया गया ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैयन, कभी किसी नेकी को हकीर मत समझ। जब दिल में दाइया पैदा हो किसी नेक काम और किसी नेकी के करने का तो फौरन उसको कर लो, चाहे अरो समझे जो है वो छोटी सी नेकी। एक अजीब वाक़या हदीस मग़फ़िरत का, एक अजीब वाक़या। एक मुहद्दिस थे जिन्होंने हदीस की बड़ी खिदमतें अंजाम दी थी, उनका इंतकाल हो गया। किसी अल्लाह के नेक बंदे ने उनको ख्वाब में देखा, उन मुहद्दिस को पूछा हजरत क्या रहा, तो उन मुहद्दिस ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब ही में पूछा किस बात पर अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा, फरमाया कभी मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसी बात पर अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा। पहले ज़माने में ऐसे कलम जैसे हमारे पास हैं ऐसे कलम नहीं होते, लकड़ी का कलम होता था और दवात होती थी, उसमें स्याही होती थी, लकड़ी के कलम को भिगोते थे और फिर लिखते थे, फिर जब वो रोशनाई कम हो जाती फिर भिगोते थे फिर लिखते थे, ऐसे कलम होते थे। वो मुहद्दिस फरमाते हैं एक दिन का वाकया है, मैं हदीस लिख रहा था, उस वक्त छपाई का इंतज़ाम नहीं था, आजकल जैसे किताबें छापी जाती हैं वो ज़माना नहीं था। वो मुहद्दिस फरमाते हैं मैंने अपने कलम को दवात में डुबोया और जब डुबा करके बाहर निकाला तो एक मक्खी उस पर आ करके बैठ गई और पानी पीने लगी, इसलिए कि रोशनाई जो होती है उसमें पानी भी होता था। वो मुहद्दिस फरमाते हैं मैंने अपने हाथ को और अपने कलम को हरकत नहीं दी ताकि ये मक्खी पानी पी ले, मेरा ये अमल अल्लाह को पसंद आ गया। और सिर्फ मक्खी को ये पानी पिलाने पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। वो कुत्ते का तो मशहूर किस्सा है, फ़कत इशारा करता हूँ आपसे, एक कुत्ते को पानी मिला है, अल्लाह को ये अमल पसंद है। मखलूक खुदा सब अल्लाह का कुंबा है, अल खल्क अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पर तुम रहम खाओ
आसमान वाला तुम पर रहम खा ले। मक्खी अल्लाह की एक मखलूक, कुत्ता अल्लाह की एक मखलूक, अल्लाह की हर मखलूक को जीने का हक है। इसीलिए मसला है कि ऐसी कोई स्कीम बनाना कि वो मखलूक पूरी ख़त्म हो जावे और उसकी नस्ल ख़त्म हो जावे, जायज़ नहीं। अभी एक दो साल पहले टिड्डियाँ शायद इधर आई थी, रसम जे जो है एक दो साल पहले की बात है रसम जे, तो शरीयत ये कहती है कि अगर टिड्डियाँ आएँ और तुम्हारी खेती को नुकसान पहुँचाएँ तो दवाइयाँ छिड़क करके तुम उनका रुख बदल सकते हो, लेकिन ऐसी स्कीम बनाना कि टिड्डी का वजूद ख़त्म हो जाए, ये जायज़ नहीं। वो भी अल्लाह की एक मखलूक, अल्लाह की हर मखलूक को उसकी ज़मीन पर जीने का हक है। तो मोहतरम बुज़ुर्गो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैय़, कभी किसी नीकी के काम को हकीर मत समझो। एक उसूल है। दूसरा उसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा उसूल बयान फरमाया कि कभी किसी गुनाह को हकीर समझ कर के मत करो, कभी किसी नेकी को हकीर समझ कर के मत छोड़ो। और दूसरा उसूल, कभी किसी गुनाह को हकीर समझ कर के न करो। हम में कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये तो गुनाह सगीरा है, कबाइर से बचना है, सगीरा का इर्तिकाब हो जाए। बारी ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल हसनात युधिबन सैयाद, इन्नल हसनात युधिबन सगाइर, अगर तुम नेकी करोगे तो नेकियों की वजह से तुम्हारे छोटे गुना, सगीरा गुना, अल्लाह खुद ब खुद सगीरा गुनाह के लिए तौबा शर्त नहीं, कबाइर के लिए, कबीरा के लिए तौबा ज़रूरी है और तौबा शर्त। मोहतरम बुज़ुर्ग, एक बात बतला, गुनाह की दो किस्में, एक छोटा गुनाह और एक बड़ा गुनाह। गुनाह किसको कहते हैं? गुनाह कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी। सोचो कभी ठंडे दिल से, अल्लाह की नाफरमानी कहीं छोटी भी होती? ठीक है, उलमा ने दो किस्में की हैं, सगीरा और कबीरा, लेकिन मोमिन को इस अरसमझे जो है रुख से सोचना चाहिए कि कबीरा ये भी मासियत है, मासियत के माना गुनाह, और सगीरा ये भी मासियत है और ये भी गुनाह है और अल्लाह की नाफरमानी है। बड़ा गुनाह वो भी अल्लाह की नाफरमानी, छोटा गुनाह वो भी अल्लाह की नाफरमानी। हज़रत थानवी अलैहि रहमा फरमाया करते थे एक मिसाल दे करके कि जो काम अंगारा करता है वही काम चिंगारी करती है। अंगारे का काम क्या है बोलो भाई? जलाना। एक छोटी सी चिंगारी है, आप अपने कपड़े के संदूक में उस चिंगारी को रख दें, ये छोटी सी चिंगारी है, क्या करें? ये छोटी सी चिंगारी है, बस समझे क्या? जो काम अंगारा करता है चिंगारी भी वही तुम्हारे कपड़ों को जला देगी और उसमें सुराख कर देगी। मोहतरम बुज़ुर्ग, लिहाजा कभी दिल में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये सगीरा गुनाह है। अल्लाह की हर नाफरमानी और अल्लाह की हर मासियत मासियत है। अल्लाह की कोई नाफरमानी अरसम जी जो है छोटी नहीं। इसलिए हदीस पाक में दूसरा उसूल बतलाया गया कि कभी किसी गुनाह को हकीर समझ करके मत करो। मोहतरम बुज़ुर्ग, कितना टाइम हुआ? साढ़े ग्यारह बजने में, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो उसूल है खानकाह का, बहरहाल उसूल,
अल्लाह ताला इन दोनों उसूलों पर हमें अमल करने की तौफीक दे। आज का सबक क्या हुआ? आज का सबक हुआ दो उसूल। कभी किसी नेकी को बोलो हकीर समझ करके मत छोड़। अल्लाह को न मालूम कौन सा अमल पसंद आ जाए। एक मुहद्दिस ने हदीस की बड़ी बड़ी खिदमतें, लेकिन वो सारी खिदमतें धरी रह गई और मग़फ़िरत हुई तो मक्खी को पानी पिलाने पर। इसलिए कभी किसी नेकी के काम को हकीर मत समझ। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह मग़फ़िरत के लिए बहाने तलाश करते हैं। न मालूम बंदे का कौन सा अमल पसंद आए। इसलिए कभी किसी नेकी को हकीर मत समझ। और दूसरा उसूल क्या हुआ? कभी किसी गुनाह को हकीर समझ करके मत करो। दो उसूल हुए। किसी नेकी को हकीर समझ करके मत छोड़ो और किसी गुनाह को हकीर समझ करके न करो। अल्लाह मुझे भी इन दो उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको भी यार समझे और हर मुसलमान को भी यार समझे इन दो उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا کریم ہم گنہگار ہیں. اے اللہ ہم خطاکار ہیں. اے اللہ ہم قصوروار ہیں. اے اللہ نفس و شیطان ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمارے ساتھ ارسن جے لگے ہوئے. اے اللہ ان دونوں دشمنوں سے ارسم جے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں تیری توفیق کے بغیر. اے اللہ اگر تو توفیق دے تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا ارسم جے آسان ہے. اے اللہ آپ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ آپ
نفس و شیطان کی مکاریوں سے عیاریوں سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہماری مدد فرمائیں کہ ہم نفس و شیطان کا مقابلہ کر سکیں. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اعزہ اور اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب مرحومین کی ارسم جے مغفرت فرما. اے اللہ ارسم جے جو ہے رمضان کے لمحات گزر رہے ہیں, اے اللہ رمضان کے لمحات گزر رہے ہیں اور دیکھتی ہی دیکھتے ارسم جے یہ رمضان ختم ہونے جا رہا ہے. اے اللہ ان لمحات کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ شب قدر ہی صرف قابل قدر نہیں, رمضان کی ہر شب شب قدر ہے اور رمضان کا ہر دن یوم قدر ہے اور رمضان کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اس کی قدر کی جائے. اے اللہ ہمیں رمضان کے لمحات کی اور ساعات کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان کو وصول کرنے کی یا رسم جی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم ناتواں ہیں. اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم سے عبادت ارسم جے ہو رہی ہے اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تلاوتوں کو تو قبول فرما, ہماری نمازوں کو ارسم جے قبول فرما, ہماری ہر نیکی کو ارسم جے قبول فرما. اے اللہ ارسم جے جو ہے ہمارے ہر عمل کو قبولیت سے ارسم جے نواز دے. اے اللہ ہماری طاعات کو قبول فرما. اے اللہ ارسم جے رمضان اچھا گزرے گا تو اگلا سال اچھا گزرے گا, اور رمضان اگر خراب گزرا تو پورا سال ارسم جے ہمارا. اے اللہ اس رمضان کے بقیہ دنوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے, مغفرت کا عشرہ جا رہا ہے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہم تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جس در پہ ہم جا کر کے مغفرت کی بھیک مانگیں. اے اللہ مغفرت ملے گی تو تیرے در سے ملے گی. اے اللہ مغفرت ملے گی تو تیرے در سے ملے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے, دھوتا ہے, گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے, میرا کوئی مالک ہے جو میرے گناہوں کو بخشتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما. ہم تو گناہ کر کے بھول چکے ہیں, ہم تو یہ تک نہیں جانتے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں, لیکن مولا نامۂ عمل میں ہمارے گناہ لکھے جا چکے ہیں. اے مولا کریم زمین کے وہ خطے جن پر ہم نے گناہ کیے ہیں, زمین کے وہ ٹکڑے ہمارے خلاف گواہ بن چکے ہیں. تیرا فرمان ہے قرآن کریم میں یومئذٍ تحدث اخبارها, قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بتلائے گی, اور یہی خبریں بتلائے گی کہ اگر کوئی برائی ہم نے کسی زمین کے ٹکڑے پر کی ہے تو وہ ٹکڑا ارسم جے ہمارے خلاف گواہی دے گا. اے اللہ ارسم جے جو ہے زمین کے ٹکڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے, فرشتے ہمارے خلاف گواہی دیں گے, ہمارے بدن کے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اے اللہ اگر اتنے سارے ارسم جے جو ہے گواہ ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو اے اللہ ہمارا بیڑا تو غرق ہو جائے گا. اے اللہ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ تو نے دنیا میں ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے. اے اللہ ہم نے دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں, رات کی اندھیریوں میں گناہ کیے ہیں, لیکن اے رب تو جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں. اے اللہ تو نے دنیا میں یا رسم جے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہے. اے اللہ آخرت میں ہمارے ارسم جے جو ہے عیوب پر بھی پردہ ڈالنا. اے اللہ
आखिरत में हमें रुसवा न करना। ए अल्लाह आखिरत में हमें रुसवा न करना। अगर हमारा कच्चा चिट्ठा आखिरत में खुल गया, वहाँ हमारे नबी होंगे, वहाँ तमाम अंबिया होंगे, वहाँ तमाम आरा समझे अल्लाह के अवलिया होंगे, हमारे माँ बाप होंगे, हमारे दादा दादा दादी होंगे, हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग होंगे। उन सब के ख़िलाफ़, उन सब के सामने अगर हमारे गुनाह आपने खोल दिए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ए अल्लाह, तूने जिस तरह दुनिया में सत्तारी का मामला फरमाया है, ए अल्लाह आखिरत में भी सत्तारी का मामला फरमाइयो। ए अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा, जो मकरूज हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी के गैब से असबाब पैदा फरमा। ए अल्लाह जो अरा समझे अपने दिलों में हाजतें रखते हैं, ए अल्लाह सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। ए अल्लाह सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारी इन मुख्तसर दुआओं को नबी पाक सल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही वसहबिही बिरहमतिका।